नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के करीब 120 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों ने नीमा के बैनर तले निःशुल्क मेडिकल कैंपों का आयोजन किया। वहीं नीमा चिकित्सकों ने गुलाबी रिबन बांधकर आईएमए का विरोध किया। इस मौके पर नीमा के अध्यक्ष समेत तमाम डॉक्टर मौजूद रहे। भारत सरकार के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिनांक 19 दिसंबर 2020 को, जिसमें जो है हमारे आयुष के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, शल्य चिकित्सक हैं, जो सर्जन हैं, ENT सर्जन और जनरल सर्जन, उनको 58 प्रकार की सर्जरी की अनुमति दी गई है। ये सर्जरी की अनुमति उनको पहले थी, ये क्लैरिफिकेशन नोटिस आया है जिस पे जो IMA लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ये तथ्यहीन है और ये जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनसे IMA डॉक्टर्स के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। आयुष चिकित्सक जहाँ दुर्गम इलाकों में उत्तराखंड के कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इससे सस्ती सुलभ और उच्च स्तरीय शल्य चिकित्सा हमारे उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों तक पहुंचेगी और जनता को आर्थिक रूप से जो है लाभ होगा। तो आपकी हमारी माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग है कि जिस प्रकार से ये क्लैरिफिकेशन नोटिस आपने जारी किया है हमारे शल्य चिकित्सक MS डॉक्टर्स के लिए, ENT डॉक्टर्स के लिए, उसी तरह जो हमारी महिला चिकित्सक गायनी में सर्जरी करती है, गायनी की जो डॉक्टर्स हैं, हमारी एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए भी जो है ऐसा क्लैरिफिकेशन जारी किया जाए, MTP एक्ट में संशोधन किया जाए और जो भारत में पहले आयुर्वेद के इंजेक्शन बनते थे जिस पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के माध्यम से जो है ये रोक लगाई गई है, उनको पुनः चालू किया जाए, आयुर्वेद फार्मा कंपनीज को इंजेक्शन बनाने की अनुमति दी जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने धन्यवाद किया है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी काउंसिल CCIM का और इसके अलावा आयुष मंत्री भारत सरकार का कि उन्होंने जो आयुर्वेद के सर्जन्स हैं, MS आयुर्वेद जो हैं, उनको सर्जरी अलाउ किया है। हालांकि अलाउ पहले से था, जैसे एक गजट नोटिफिकेशन उन लोगों ने हमको दिया है, इससे हम लोग परमिट हुए हैं इसके लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इसके विरोध में जो ऐसे चिकित्सक जो संघ हैं, जो लोगों को परेशान करने के लिए आज उन्होंने हड़ताल करी हुई है, कह रहे हैं कि आज हम मरीज नहीं देखेंगे, तो हमने उनके अगेंस्ट में और भारत सरकार के सपोर्ट में तमाम मरीजों के लिए हमने पूरे हिंदुस्तान में करीब 1200 हमारी शाखाएं हैं नीमा की, करीब 12.5 लाख चिकित्सक हमारे जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज हम फ्री कैंप करा रहे हैं ताकि किसी भी मरीज को किसी भी तरह कोई नुकसान ना हो और उन्हें उनकी बीमारी से जो है निजात मिले। इसके अलावा जैसे कि आपको हमारे साथी ने बताया कि हम लोग जो हमारे पहले इंजेक्शन्स आया करते थे आयुर्वेद के, जो बंद कर दिए गए थे, उसकी भी हम लोग मांग करते हैं कि उनको दोबारा स्टार्ट किया जाए। इसके अलावा जो हमारे NRHM के या NHM के जो हमारे संविदा चिकित्सक हैं, उनको हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के थ्रू ये परमिशन हो गया है कि उनकी जो सैलरी है वो संविदा एलोपैथी चिकित्सक के बराबर होगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड जो है उसको परमिट नहीं कर रही है, तो हमने उसके लिए मांग दी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इसके अंदर इंटरफेयर करें और दोनों चिकित्सकों की जो सैलरीज हैं वो बराबर करें। आज नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन रुड़की ने सर्वप्रथम भगवानपुर के SDM को ज्ञापन दिया है, इसके बाद रुड़की के SDM को तहसीलदार साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, लखसर के SDM को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, सुबोध राकेश जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अभी हम लोग जो है वो MLA रुड़की प्रदीप दत्ता जी के पास जा रहे हैं उन्हें ज्ञापन देने के लिए। इस ज्ञापन देने का हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भारत सरकार ने और आयुष जो मंत्री साहब हैं उन्होंने जो MS आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेशंस करने के जो अधिकार दिए हैं उसके धन्यवाद पत्र हम लोगों ने इन ज्ञापन के थ्रू माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय आयुष मंत्री जी को दिए हैं। आज जो कुछ संगठन हैं, कुछ एक चिकित्सक लोगों के, मैं नाम तो यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने सिर्फ मरीजों को परेशान करने के लिए, गरीब जनता को परेशान करने के लिए अपने अस्पताल और अपने क्लिनिक जो हैं वो आज बंद कर दिए हैं, तो और सिर्फ इमरजेंसी फीस लेकर ही, यानी कि फीस बढ़ाकर ही वो मरीजों को देख रहे हैं। इस सब को देखते हुए नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने, जो पूरे हिंदुस्तान में करीब 1200 ब्रांचेज हमारी हैं और 12.5 लाख चिकित्सक हमारे जुड़े हुए हैं, उनमें से जो रुड़की ब्रांच हमारी है यहाँ पर करीब 150 चिकित्सक हमारे जुड़े हुए हैं, तो करीब 150 जगहों पर यहाँ पर फ्री कैंप की व्यवस्था लगाई गई है जिसकी फुटेज हम लोग आपको शाम तक दे देंगे और पूरे हिंदुस्तान में मरीजों को कोई परेशानी ना हो इसलिए हम लोग आज फ्री OPD मरीजों के लिए रख रहे हैं ताकि वो अपना इलाज आराम से हम लोगों के चिकित्सालय में आकर करा सकें। देखिए साहब, हमारा काम सेवा करने का है, मांग हमारी कुछ है नहीं। जिस तरीके से हम लोग लगातार कोविड में देखा है कि आयुष के लोगों ने कितनी सेवा करी है, घर घर जाए कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, आयुष काढ़ा आया है, सब लोगों ने पिया भी है, जिसका एवज ये निकला है, रिजल्ट ये निकला है कि इस टाइम पे जितने इतने पेशेंट्स हुआ करते थे
यहाँ पर मलेरिया के, डेंगू के आप देखते हैं कि वो आज के टाइम पे नहीं है, तो ये आयुष चिकित्सक या आयुष की दवाइयों के जो है परिणाम हैं। तो हम यही चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी कि जो हमने मांगे रखी हैं अपने ज्ञापन में हमने दी हैं, कृपया वो उनको पूरा करें ताकि आयुष चिकित्सक जो हैं अपने मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ना ये है कि हम लोगों का आयुष चिकित्सक ने बहुत बड़ा हम लोगों का ये काम किया है कि जो लोग MS हैं आयुर्वेदिक से यूनानी से, उनको बाकायदा इजाज़त दी गई है कि हम लोग शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, और वो 58 प्रकार की शल्य चिकित्सा है जिसकी डिटेल अलग है, अगर आप कहेंगे तो बता दी जा सकती है, तो उसको कर सकते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम पहले अब बातचीत करने के जरिए कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग हड़ताल करेंगे, और हड़ताल करने के बाद सूरत हाल को आगे देखेंगे फिर हिसाब से क्या करना है। बट तो जब आयुष गवर्नमेंट ने हम हमारी इस सुविधा को उपलब्ध कराया है, तो मैं समझता हूँ कि इसको मेंटेन रहना चाहिए।